यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध नजर आई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस ओर एक नया कदम उठाया है और युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी कंपनियों को अनुदान राशि देने की सीएम ने घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्राइवेट उद्योगों को युवाओं को रोजगार देने पर 3,000 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह अनुदान उन कंपनियों की इकाई को दिया जाएगा जहां पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने का एक कदम उठाया गया। तो हरियाणा की मनोहर सरकार अब युवाओं को रोजगार देने के लिए यह कदम उठा रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि अगर कोई औद्योगिक जो कंपनी है अपने इकाइयों में नौकरी देती है तो सरकार की ओर से उस इकाई को, उस कंपनी को 3,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और यह अनुदान ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां देने पर दिया जाएगा। दिल्ली के PhD चैम्बर में सीएम की ओर से इसकी घोषणा की गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में यह घोषणा की है। मुख्य के तौर पर वो पहुंचे थे, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई अपने संबोधन के दौरान। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में किए गए नीतिगत जो बदलाव रखे और उद्योग के अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में हरियाणा में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का संरचना का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विद्युत खर्च में 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाता है। तो क्या कुछ रियायतें दी जाती हैं, कैसे एक माहौल इस तरह का पैदा किया जाए कि निवेश हो, कंपनियां हरियाणा की ओर आकर्षित हों, उन तमाम बातों का जिक्र किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कही गई कि प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। यानी कुल मिलाकर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में अगर प्राइवेट कंपनियां हरियाणा के युवाओं को मौका देती हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो 3,000 रुपये हरियाणा सरकार की ओर से मदद यानी कि अनुदान राशि दी जाएगी, सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यही बनता है, क्या इस अनुदान से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा? और रोजगार अगर मिलेगा तो उसकी पहली शर्त यही है कि जब कंपनियां होंगी, निवेश होगा, तभी यह स्थिति बन पाएगी कि सी और डी में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके। और जब निवेश होगा तभी स्थिति यह भी बन पाएगी कि हरियाणा सरकार अनुदान दे और हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल पाए। तो सवाल निवेश से जुड़ा है आज का, सवाल नौकरी से जुड़ा है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि हरियाणा के युवा सरकारी नौकरियों का इंतजार ना करें, नौकरी की बाट ना देखें, जो कि उनके ओर से शब्द किए गए थे इस्तेमाल, कि बाट ना देखें यानी हिंदी में कहें तो इंतजार ना करें, बल्कि ये प्राइवेट नौकरी पकड़ लेंगे। हरियाणा के सीएम की ओर से कहा गया हूबहू। सीएम ने यह भी कहा कि हर साल 2 लाख युवा रोजगार के लिए तैयार हो रखे हैं, जबकि सरकार के पास हर साल केवल 15,000 नौकरियां हैं। ये आंकड़े सीएम पहले दे चुके हैं। अब सीएम की कोशिशें हैं कि प्राइवेट कंपनियां हरियाणा के युवाओं को नौकरी दें सी और डी में, सरकार उनको अनुदान राशि दे देगी 3,000। बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ग्रुप सी और डी के, यानी जो एरियाज सेक्टर सी और डी का हमारा है, उसके अंदर हम जितने हरियाणा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, 50% से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो हम उनको सब्सिडी देंगे 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉई। तो बहुत बड़ी सब्सिडी है, ये 3 साल के लिए चालू रहेगी। तो सवाल यही है, क्या इतने अनुदान से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? रोजगार का जब सवाल उठता है सरकार की ओर से, सरकार में आने से पहले यानी बीजेपी की ओर से जो वादा किया गया था, जो आंकड़ा कहा गया था घोषणा पत्र में, वो भी यादाता है। साथ ही निवेश को कितना बढ़ाया गया, निवेश को लेकर जितनी बातें की गई, जितना दम भरा गया, क्या उतना निवेश हरियाणा में सरकार ला पाई है? क्या कंपनियां इतनी स्थापित हो पाई हैं? और अगर कंपनियां स्थापित होंगी तो क्या सरकार इस तरह का माहौल, एक माहौल पैदा कर पाएगी कि सी और डी जो ग्रुप है उसमें हरियाणा के युवाओं को
भर्तियां दी जाए, नौकरियां दी जाए, रोजगार देने के बाद हरियाणा सरकार उनको अनुदान राशि दे। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ है बीजेपी की ओर से, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हैं नीलम चौधरी जी, स्टूडियो में उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा जी हैं इस चर्चा में। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं हमारे साथ अजय गौतम जी। कर्मचारी नेता नसीब जाखड़ जी को आप देख पा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के सी मलकानिया साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं, सभी का स्वागत है। नीलम जी, पहला सवाल आपसे, क्या अनुदान से रोजगार मिल पाएगा हरियाणा के युवाओं को? जी देखिए, ये हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का एक इनोवेटिव आइडिया है, एक तरीका है जिससे कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवकों को रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी हमारे ये बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनके जो सिलेक्शंस हैं वो पूरे भारत से आते हैं, और हरियाणा में इकाई लगने के बावजूद भी हरियाणा के लोगों को उसमें काम करने का अवसर कम मिलता है, क्योंकि ये ओपन रहते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया उनके सामने रखा है कि अगर आप COD में डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं होती है, ए और बी में हमें हायर लेवल ऑफ मेरिटोक्रेसी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उन्होंने एक ऑफर दी है कि सी एंड डी कैटेगरी में मोर देन 50% अगर आप हरियाणा के लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो उनको वहाँ काम मिले, तो उन्हें जो है, जैसा आपने बताया भी है, 3,000 रुपए का जो अनुदान है पर एम्प्लॉय जो है वो उनको दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और एंटरप्रेन्योर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसको वेलकम करेंगी, और एक अच्छा मोटिव भी है कि हरियाणा के युवकों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़े से प्रोत्साहित होंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी नौकरियों का इंतजार ना करें, प्राइवेट नौकरियों की ओर बढ़ें। अभी अनुदान की भी बात कही गई मुख्यमंत्री की ओर से। ज्योति जी, ये एक बहुत बड़ा छलावा है। जो एक्ट है उद्योग के संबंध में, उसमें पहले से ही वर्णित है कि 90% हरियाणा डोमिसाइल के जो लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा में जो उद्योग स्थापित होंगे, 10% बार को, ये तो विधि लिखित है। दूसरा, ये इन्होंने कोई प्रावधान नहीं बताया कि ये 3,000 हम कहाँ किस फंड से देंगे, और जो सी और डी की ये बातें कर रहे हैं कि वहां तो लेबर क्लास है, जो लेबर क्लास नीचे के लोग जो वो जो जो हमारे लोग एक एक्सपीरियंस होल्डर लोग जाते हैं, जो बड़े पदों पर जाते हैं, जो बेरोजगारी का आलम हो, तो उन लोगों पर ज्यादा है ना। जो हरियाणा सरकार ने अपनी सी और डी कैटेगरी की भर्ती करनी थी जी, पहले उसमें करते ये कि हरियाणा डोमिसाइल लोगों को हम दें, उसमें तो पूरी खुली कर रखी उन्होंने कि बाहर के लोग भी आवेदन दे सकते हैं, प्राइवेट लोगों पर ये थोप रहे हैं, और ये बैकडोर दरवाजे से उन लोगों को पैसा देने की, जैसे कि पहले भी हम विदित रहे हैं, पता है ये सरकार उद्योगपतियों की तरफ ज्यादा वो रहती है, कर्जे माफ करती है, ये बैकडोर एंट्री से उन उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की एक प्लानिंग है इनकी, इससे कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। और ये कानून बनाए ना, जो चीज उन्होंने पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी की जिन्हें विधानसभा में ले आए और कानून बनाए, उनको नौकरी देनी पड़ेगी। ये अपनी तरफ से 3,000 रुपये देने की, एक तरह से इसको हिंदी में शब्दावली में कुछ ला रहे हो, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं बस उनको, उद्योग वालों को। उद्योग को इन्होंने नया लगाया नहीं, 4 साल तक कुछ किया नहीं, अब ये क्योंकि जाने का इनका समय आ गया, तो इस तरीके की नीतियां बना के लेके आ रहे हैं ताकि जनता में ये कहा जाए हम ये कर रहे थे हमें आगे मौका दो। ये आगे का रास्ता बनाने के लिए एक तैयारी है, कुछ भी नहीं है। आज ये कहना चाहता हूँ मैं, कोई भी जिनको चीज नया संशोधन करना, ये विधानसभा में लाए और विधेयक पास कराए, विपक्ष भी इनका सहयोग करेगी। करना तो कुछ चाहते नहीं, लोगों को बरगला रहे हैं, 4 साल तक कुछ नहीं किया, अगले वाले समय के लिए अपने रास्ते, 4 तो खैर अभी अक्टूबर में पूरे करेंगे, लेकिन नीलम जी को जवाब है आपके पास इन बातों का, जो कि बालमुकुंद शर्मा जी की ओर से कहा गया कि नियत नहीं है आप लोगों के रोजगार देने। जी देखिए, एक तो ये इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे जो अपने देश को, अपने प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना होता है, तो वो उसकी तरफ तो इनका दिमाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक धरने में काम करते रहे हैं आप लोग के, तो टॉप लेवल में करप्शन इतना ज्यादा था। 80,000 पोस्टें खाली है, अगर आप उसका आकलन करवाओ, 80,000 पोस्ट ग्रुप आप क्यों नहीं भर्ती करते? देखिए सरकारी नौकरियां भी अभी 40,000 आने वाली है, देखिए आप कर सकते हैं, एक मिनट, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, तो हम सरकारी और गैर सरकारी हर क्षेत्र को हमने एक्सप्लोर करना है, तो पकौड़े वाला भी बात करते हैं, अगर आप उसको अच्छे लेवल पे करेंगे वो भी एक अच्छा, क्योंकि देखिए रोजगार जो है कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये डिपेंड करता है आप उसको कितने पैशन के साथ करते हैं, कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, और उसमें हमारी गवर्नमेंट हर जगह सहायता करती है। सुनिए, घोषणा पत्र में जब नौकरी को लेकर वादा किया जाता है, उस वक्त ही बात नहीं कही जाती कि रोजगार छोटा या बड़ा नहीं होता, उस वक्त ये भी नहीं कहा जाता कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है।
जी देखिए, उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि सरकारी नौकरी का इंतजार मत कीजिए, प्राइवेट नौकरियों का रुख कीजिए। देखिए ज्योति, पहली बात तो ये कि सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व भर में आप किसी भी देश में देख लें 2-3% ही सरकारी नौकरियां होती हैं। और एक और चीज है, विदेशों में जो लोगों में जो क्रेज होता है वो सरकार की बजाय प्राइवेट जॉब्स में ज्यादा होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है कि अगर आपके पास नौकरी है इसका मतलब सरकारी है तो नौकरी, अदरवाइज आपके पास विदेशों की तरफ पे क्यों जाते हो? आप इंडिया में बैठे हो जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चुनाव से पहले आप रहने दीजिए, नीलम जी, क्या चुनाव से पहले इनको भी कह दो किसी पार्टी के हैं? देखिए चुनाव से पहले आप ये आंकड़ा पेश नहीं करते कि सरकारी नौकरी, विदेशों में रहने की सलाह दे रहे क्या हमारे को? प्लीज प्लीज, हमारा देश विदेशों की तर्ज पर डेवलप हो रहा है। हम पहले किसकी बात करते थे? हमेशा चाइना की, विदेश में जाके रहेंगे, ये बताओ। हमारा अपना देश विदेशों की तर्ज पर डेवलप हो रहा है। आपकी एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपोजिशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए आपको जो तरक्की है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो आपको नजर नहीं आएगी, आप उसकी बात कर ही नहीं सकते। और रही बात आपके समय में जितना करप्शन होता था, जितने धांधली होती थी, आज पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स होती हैं, तो वो जो चीजें हैं वो जनता में एक बहुत विश्वास ला रही हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में आ रही हैं, एग्रीकल्चर में आ रही हैं। सीएम को अभी सुना आपने, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? जाकर साहब देखिए, ज्योति जी, सरकार की मंशा बिल्कुल जो ये सीएम साहब ने जो अभी ऐलान किया है युवाओं को नौकरी देने का या प्राइवेट भर्ती करवाने का, ये एक और जुमला मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि अगर सरकार की नीयत और नीति साफ हो तो 1,00,000 से ज्यादा रोजगार ये हरियाणा में दे सकते हैं। अगर हम रोडवेज की भी बात करें तो अप्रेंटिस के बच्चों पे हरियाणा रोडवेज के मिस्त्रियों का काम लिया जाता है, मैकेनिकों का काम लिया जाता है। अप्रेंटिस को विदिन 30 days जॉब मिलती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता होना चाहिए, सबको मिलती है। आप देखिए 3,000-3,500 की सैलरी पे उनको रखा जाता है। वो तो कर्मचारी नेता एक्सपर्ट, उनको सब बातों का पता है, उनको क्या बताओ? अरे भैया पता करिए ना, आपकी भी हमारा प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करें, आप उस पूरी जानकारी आप सुनने का थोड़ा सा देरी रखें। अगर सरकार की नीति साफ हो तो आज भी कर सकते हैं, ऐसा कैसे? प्राइवेट कंपनियां बाहर के आदमी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बाहर के कर्मचारी भर्ती करेंगे। गुड़गांव में अगर आप मारुति कंपनी की बात कर लीजिए तो हरियाणा के लोगों को इंटरव्यू भी नहीं करते, उनका टेस्ट भी नहीं लिया जाता, बोलते आप तो हरियाणा से, आपको नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हो कि प्राइवेट कंपनियों की कौन रखेगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? क्यों, जब आप उनके लिए ऐसा माहौल बनाएंगे तो वो जरूर माहौल कैसे बनाओगे? इसी के लिए तो इनिशिएटिव लिया, आप उस इनिशिएटिव को देखें ना, एक कोशिश है। आपका समय बहुत कम रह चुका है, 7-8 महीने सरकार के रह चुके हैं, माहौल बनाने का अब समय नहीं है, अब काम करने का समय है। हम ही आ रहे हैं, उसके बाद ही हम ही आ रहे हैं। तो आपने 4 साल पहले माहौल बनाना था, हम लगातार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते जा रहे हैं, लगातार हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और ये एक और दूसरी कोशिश है इसी डायरेक्शन में। मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। चाहिए कि मन काम की बात करें, रोजगार युवाओं को दें। आज हिमाचल की बात करें तो यूथ का जो प्रदर्शन था राइफल डील को लेकर के, उन पे लाठी चार्ज हुआ और युवाओं को कहते कि पकोड़े बेचो, अपना प्राइवेट काम करो। वो हमेशा उसमें पूरा डेटा रखते हैं, उसमें हमेशा उन बेनिफिशियरीज के साथ बातचीत होती है, डायरेक्ट एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा मैम एक सवाल आपसे है कि सरकारी रोजगार क्यों नहीं देना चाहती सरकार? सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है? जितनी हमारे पास 5 या 10 हजार में किसी का रसोई का खर्च भी चल सकता है क्या? 10 हजार में आम आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील और वो बना सकता है? आपको ये पता है इस वक्त मिनिमम वेजेस क्या है हरियाणा में? 40 करोड़ से ज्यादा रुपए की, 8,000 रुपए अंदर के दरवाजे से आप 40 करोड़ रुपए युवाओं से लूट लिए, उनके फॉर्म भरवा कर भर्ती कैंसिल, कोई भी भर्ती अभी तक वो नहीं हुई। आप लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से आपने 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट का भविष्य आपको ये आंकड़े दिखाई देते। 40 करोड़ रुपए आपने भर्ती के नाम पर नौजवानों से लूट लिए, भर्ती कैंसिल कर दी, 1,00,000 से ज्यादा पोस्टें खाली है ऑन रिकॉर्ड। मैं देखूंगा आपको 1,00,000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं ऑन रिकॉर्ड। जो किसी एम के ओर से कहा गया, मलकानिया साहब कैसा ये कदम लगा आपको, और क्या जो रोजगार का इंतजार कर रखे हैं युवा, उनके लिए बहुत अच्छी कोई खबर हो सकती है इसमें? किसी और डी ग्रुप की अगर भर्तियां सरकारी प्राइवेट जो कंपनियां हैं अगर वो करती हैं तो सरकार अनुदान देगी उनको? देखो इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है, ये जो याद आई इलेक्शनों के नजदीक आई, 3,000 आप दोगे अनुदान, उसमें क्या मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा होगा या वो उसको भी बीच इंक्लूड कर लेंगे? ये देखने वाली बात है। और इससे इसके अलावा अगर आपने रोजगार देना है तो खुलकर दियो, आपके पास इतनी पोस्टें खाली है, परंतु आप क्या करते हैं, जो
सेवानिवृत्त तो होता है वो पहले अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेता है, और इसमें बड़ा क्लियर लिखा है जो भी पोस्ट रिटायर्ड होता है ना, बाहर लिखा होता है बिलो 63, जो रिटायर होता है 63 के नीचे उसको दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट की दी जाती है, और हर विभाग में ऐसा ही होता है, और जो जाने लगता है ना वो पहले क्रिएट कर लेता है। और कई जगह तो मैंने बहुत से डिपार्टमेंटों में देखा कि वो ऐसा काम करके जाता है कि उसको दोबारा बुलाना पड़ता है। तो मेरा तो कहने का मतलब चलो ठूंजा है या 60 कर दिया आपने, ठीक है रिटायरमेंट की एज होगी, उसके बाद अब 63 तक आप क्यों इम्प्लॉयमेंट करते हो, क्यों नहीं आप युवाओं को रोजगार देते हैं, जो पोस्टें खाली हैं उनको क्यों नहीं भरते, और आप पोस्टें निकालते हो उसका फीस भी ले लेते हैं सब कुछ, थोड़े दिनों के बाद दोबारा उसी उन्हीं पोस्टों को निकालते हैं, और कहते हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है अब फिर, और कुछ कुछ और कुछ पोस्ट में उदाहरण दे सकता हूँ, 3-3 साल से चली आ रही है जो खाली चल रही है और बार बार मांगते हैं, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन जिसमें DPRO की पोस्ट है, 3-3 बार एडवर्टाइज हो चुकी है और 2-3 सालों से चली है खाली। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप दो रोजगार दो ये अच्छा है, अगर आपने शुरू में इनिशिएटिव लिया होता तो आज तक आपको इसके रिजल्ट भी सामने आ जाते। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, 3,000 से आकर्षित भी हो सकते हैं और जो उद्योगपति है उन्हें भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है और वो हरियाणा के लोगों को नौकरी दे सकते हैं, परंतु ये जो इनिशिएटिव है ना ये आपने सी और डी में दिया, उसमें लेबर क्लास है उनको मिनिमम वेजेस के एक्स्ट्रा, बड़ा क्लियर करना चाहिए मिनिमम वेजेस के एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देगी। अच्छा 3 साल के बाद उनका क्या बनेगा? हाँ। जो हरियाणा के हैं जो कंपनी बाहर से आई है वो 3 साल के बाद उनको कहेंगे बस हो गया पूरा, अब तो हम तो इतनी तनख्वाह देंगे आप जाओ कहीं और देख लो नौकरी। तो इसलिए कोई नीति जो हो वो निश्चित बननी चाहिए और ये बड़े पहले बन जानी चाहिए, ये नहीं इलेक्शनों के नजदीक आप ऐसे सोसाबाजी करो छोड़ दो, और सेवानिवृत्त को नौकरी देने के हक में मैं बिल्कुल नहीं जी, सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं उनको विपक्ष भी घेरता है सरकार को इस बात को लेकर, आउटसोर्सिंग से जो भर्तियां की जाती हैं उनको किस बात को सही माने क्या, लेकिन फिलहाल जो कहा गया क्या देर आए दुरुस्त आए, भले की चुनाव नजदीक है लेकिन सीएम ने कहा तो सही, क्या इस दिशा में बढ़े तो सही। अब तो इनकी बातों को सुन के हंसी आने लगी है और कुछ मतलब ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं जनता के साथ या सरकार चला रहे हैं, दिशाहीन सरकार है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनके घोषणा पत्र को सही माने या अब जो जुमले छोड़ रहे हैं उसको सही माने, कैसे विश्वास करे हुआ इन लोगों पर। इन्होंने क्या कहा था घोषणा पत्र में, बहुत सारे घोषणाएं की थी उसमें युवाओं के लिए, एक पे भी खरे नहीं उतरे। +2 पास को 6,000 रुपये देने वाले थे, एक 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 कितने कितने लोगों को दिए इन्होंने, ग्रेजुएशन को 9,000 रुपये देने वाले थे। अब आप सुन लीजिए, देखिए आपके बीच में मैंने ही बोला था, पूछा कि कितनों को मिला तो मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं, देखिए डीसी रेट की बात करती, दिल्ली सरकार 16,000 रुपये डीसी रेट दे रही है, ये क्यों नहीं देते? आप 5 सेक्टर में जाइए, कितने लोग धरने पे बैठे हैं, लैब टेक्नीशियन धरने पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर, उनको पुलिस के द्वारा पिटवाया जा रहा है, क्या वो आंगनवाड़ी वर्कर या लैब टेक्नीशियन जो परेशानी का वोट देंगे उनको सब रिझाने की कोशिश है इनकी, इन्होंने कुछ नहीं करना है, जुमला सरकार और कुछ नहीं। 4,000 उनकी तनख्वाह आंगनवाड़ी वर्कर की, 4,000 में दूध का बिल नहीं दिया जाता एक एक आम इंसान, कैसे घर चलाएगा? स्टेट और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है और पिछली सरकारों ने सेंटर का रोल रखा था, जिसके आपने घोषणा पत्र में कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं कि किसी वर्ग को आप ना रिझा सके, सभी वर्ग को आपने रिझाया, उसके बाद आपको चलो विश्वास कर लिया, हमारी बोली वाली जनता विश्वास कर लिया, लेकिन अब आपके जहाँ से मानने वाली नहीं है, अब आप ये छोड़ दीजिए और 2-4 महीने जो आपके बच्चे आप करिए और उसके बाद निकलिए। आपको तो सभी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वैसे भी आप पर कौन विश्वास करेगा? जनता अब आपको नकार चुकी है। तो रही बात ये है कि आप उसके पे ना करें, हमारा है आपके साथ सब जुमलेबाजी जो खत्म हो चुकी है, हरियाणा की जनता बेचारी बोली वाली युवाओं ने आप पे विश्वास करके वोट दिया आपको, वो अभी भी हमारे क्या गलती थी, क्या गलती थी युवाओं की, आपने तो ऐसे ऐसे वादे किए कि हरियाणा के युवाओं के हम शादियां कराएंगे, कितनी शादी कराई है आपने हरियाणा में बताइए, आप अपने मंत्रियों की शादी तो करा लो, ऐसे ऐसे जुमले छोड़े जो लोगों ने विश्वास किया इन पर, अब नहीं विश्वास करने वाले। रोजगार दे दो शादियां तो हो जाएगी, सरकार भी साफ करना, आपके पास कोई पॉलिसी है? मतलब इतना गिर चुके ये लोग
कि पूछो मत, हर एक स्टेज पे धोखा किया, हर स्टेज पे धोखा किया। बची पंजाब में आप खड़े रहने लायक नहीं हो, दिल्ली में आप कहीं के नहीं रहोगे, दिल्ली में नहीं हो। दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, आप दिल्ली जैसे एक काम कर दीजिए, एक हॉस्पिटल बना दीजिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास है। सही दिशा में जा रहे और हम सिर्फ कम जाए कर्मचारियों का बताओ ना क्या कर रहे हो अभी पंजाब दिल्ली ये अभी थोड़ी देर में मुद्दे से मत बैठिए, बात जवाब दीजिए। एक और इनोवेटिव आइडिया जो मैं आपको बताती हूँ, जिसकी जिसका की वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेज किया है, जो हमारी स्किल इंडिया के तहत है। इसमें फरीदाबाद में वहां के जितने भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जिसमें करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा था, उन्होंने उसको शेयर किया वर्ल्ड बैंक। अब उसमें 1 करोड़ इंडिया के साथ दे भी रहा है, क्यों ना अच्छा काम किया। उसमें है क्या, 10th और 12th पास लड़के उसी एरिया के उनको ट्रेनिंग देते हैं और वही इंडस्ट्रीज में उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस जो हमारी जो सफलता पूर्वक ये जो हमारा एक इनोवेटिव था उसका वर्ल्ड में जो है आपके पास सक्सेसफुल हो रहे पूरे देश और पूरे दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है। नेता आपके प्रवक्ता अपनी तारीफ बात कर रहे हैं, आपने आप कर रहे हैं, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा। एक वर्ग ऐसा दिखा दो किसान मजदूर कर्मचारी कोई आपकी तारीफ करता हो, एक वर्ग धन्यवाद करता हो, भिखारी बना दिया आपका जो नियत है ना वो इसी तरह उस नेगेटिव नैरेटिव को हम नहीं बदल सकते। आपने मुख्यमंत्री का आइडिया उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे, अब आप अपने अपना आइडिया बताने लगे। आपने किसी नेता से बोले वो अपना आइडिया दे देता, आप कर क्या रहे हो ये तो बता दे। इस प्रदेश में शासन चलाने का अगर आपको आपका चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि 1.5 साल तक तो मुझे सीखने में लगा और 2.5 साल अब लोगों को सिखा रहा है, जब आप एक ये आपने मुख्यमंत्री ने कहा ना कि पहले 1.5 साल मुझे सीखने में लग गया, और 2.5 साल आपने क्या किया, अब आप लोगों को सिखाने लग गए कि आप पकौड़े बनाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप रोजगार, आप ये जो 1 लाख पोस्टें खाली हैं, ये जो 1 लाख पोस्टें खाली लोग क्यों नहीं भरते, ये जो 1 लाख पोस्टें हैं खाली उनको आप क्यों नहीं भरते, आप काम की बात क्यों नहीं करते, आप काम की बात क्यों नहीं करते, आप आईडियो पर आ जाते हैं। आइडिया का अंदाजा होता है, नीलम जी आप ही सुनेंगे ना, सुजाकर जी आपको क्यों लगता है कि सरकार युवाओं के लिए या फिर जिनको रोजगार मिल गया फिर जो कर्मचारी है उनके लिए काम नहीं कर रखी है, क्या तुलनात्मक रूप से जिसमें कांग्रेस की बात कर ले जाए या उससे पीछे इनेलो की बात कर ले जाए, क्या सरकार बेहतर काम नहीं कर रखी अगर तुलना की जाए रोजगार को लेकर? देखिए तुलना कहीं ना कहीं, चलो पिछली सरकार में थोड़ा बहुत, मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार में रोजगार मिला था, बसें भी रोडवेज में आई थी और विभागों में पिछली सरकार ने 100 में से 70 पैसे नीचे कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जो लगे हुए कर्मचारी है। मैडम सुनने की सुनता रखिए, आप जब बोले थे मैं बीच में नहीं बोला था, देखिए यहाँ कर्मचारियों को लगाना तो दूर की बात है, या जो भर्ती हुए कर्मचारी है उनको निकालने में सरकार लगी हुई है, जो पक्के कर्मचारी है उसको कच्चा करने में सरकार लगी हुई है, सरकार की 5 तारीख को भी हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होने वाला है, इसी बात पे होने वाला है, निजी हाथों में देना चाहते हैं, ये इनका दर्द है वो दर्द सुनिए, अपने देखिए मैम आप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कर्मचारियों का ज्योति जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताओ आप हरियाणा रोडवेज की एक बस में 7 रोजगार मिलते हैं। आपसे सवाल पूछा था नीलम जी आएंगे, मैंने सवाल पूछा था आपने जवाब दे दिया कि कांग्रेस ने तुलनात्मक रूप से ज्यादा रोजगार दिए थे, लेकिन सर वो रोजगार के क्या फायदे क्या है जो अदालत में जाके मामले लटक जाते हैं, ऐसा कुछ लगते हैं कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर भर्तियां की, मतलब हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं, वो नौकरियां तो कर रहे हैं ना, घर तो कोई नहीं गया ना, नौकरियां कर रहे हैं सब, एक भी आदमी अगर इनके चले तो सारा सफाया करते हैं, नियमों को ताक पर, ये तो इनकी चलेगी ना जी, ये आरएसएस के लोग बाहर से भर्ती करेंगे, जो सरकार की बड़ी पोस्टों पर ओएसडी हैं वो सारे बाहर से ले आके आरएसएस के लोग भर्ती, महाराष्ट्र से गुजरात से, अगर आपकी चलेगी आप नौकरियों में भी बाहर के गुजरात के लोग ले आओगे, आप देखिए सीएम दफ्तर में देखिए कहीं देखिए गुजरात के लोग बैठे हुए हैं, दफ्तरों की मेन पोस्टों में गुजरात के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और तो एमएलए मंत्रियों के कुछ है, अदर स्टेट के बैठे हैं एमएलए मंत्रियों के
आपकी चलेगी तो नौकरियां भी आप हरियाणा से बाहर के लोगों को दोगे। मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, सीएम दफ्तर में कितने 9 आदमी आज बाहर के बैठे हुए हैं, गुजरात के बाहर के विधानसभा सेक्रेटरेट में, हर जगह विधानसभा में सेक्रेटरेट में, हर जगह आप गुजरात के लोग बैठा रखे, महाराष्ट्र से आप लोग लेके आ रहे हो, यहाँ का स्टेट, यहाँ का योग्यता नहीं है लोगों में, यहाँ के लोगों में जानकारी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा को अच्छा रैंक मिला है, तो क्या लगता है निवेश को लेकर कंपनियां हरियाणा में आए, इसको लेकर सरकार काम कर रही है? आप अच्छी आपने बात की है, इस बात को एक दिन पहले भी मैंने दोहराया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक दिन में नहीं खड़ा होता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पैमाने जो हैं वो साल दर साल तय होते रहते हैं। तो जो हमारा पिछला शासन हमने दिया, क्या दिया, जो हमने शासन दिया क्या दिया, शासन को क्या मानते हैं, हमने शासन सेवा भाव से दिया, आप बिजनेस कर रहे शासन जी, आज आपकी सरकार शासन को आपने व्यापार बना दिया, आपने आज शासन को व्यापार बना दिया, शासन सेवा भाव से किया जाता है, हमने जब जब कांग्रेस सत्ता में हमने शासन का भाव दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हम यहाँ पहुंचे हैं, तो उसमें 99% योगदान हमारे शासन के टाइम का है, जो हमने आपको व्यवस्था दी, जो हमने प्रोवाइडेशन दिया। आप ये बताइए पिछले 4 साल में 1 एकड़ भी जमीन अगर आपने एक बार करके इंडस्ट्री को दी हो, 1 एकड़ भी जमीन आपने एक बार करके इंडस्ट्री को दी हो, मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जमीन हरियाणा सरकार ने फिलहाल कितनी एक्वायर की, 1 एकड़ की, चुनौती आने वाली सरकारों के लिए भी हो सकती है, कितनी जमीनें एक्वायर की गई हरियाणा सरकार की ओर से, जमीनें भी एक्वायर करनी पड़ती है मैडम निवेश के लिए कंपनियों के लिए, तो कांग्रेस ये कहेगी कि हमने किया था और उसका क्रेडिट आप लोग ले रखेंगे। जी देखिए कांग्रेस ने क्या किया था, बीच में जब भूपाल मुकुट जी बोलते हैं ना, तो एक मिनट दीजिए मुझे, इन्होंने क्या किया था, फार्मर्स की जमीन सीएलयू के नाम पर इन्होंने सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी डीलर्स को बेची थी, 70,000 एकड़ जमीन थी, जिसके केसेस इनके सीएम पर आज भी चल रहे हैं, जो वो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं। दूसरा जो है बार बार एक पॉलिसी का नाम ले रहे हैं ना, जो 2014 में इनकी 2 पॉलिसीज जो हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है, उसको इनका कहना है कि वो पॉलिसी ठीक है, हाईकोर्ट की इंटरप्रिटेशन गलत है, जो बिल्कुल गलत है कि आप ये जुडिशरी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि 2011 में हरियाणा सरकार, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो यूज कर ली थी, तो 2014 में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई वो बिल्कुल गलत थी, उसका खामियाजा कर्मचारी आज भुगत रहे हैं, जिसको ये जस्टिफाई करें, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे को हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारे को अच्छे दिनों की जरूरत नहीं है, ऐसे अच्छे दिनों की जरूरत नहीं है, पुराने दिन हमारे लौटा दो, सिफारिशें करते थे जब बच्चे जमीन बेच के नौकरियां, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे 12 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ तक का भारत में कितने स्कैम्स पड़ते थे, आपको वो दिन अच्छे लगते हैं? आप ये बताओ 1700 करोड़ रुपए स्वर्ण जयंती पे आप लगा देते हो, स्कैम के बारे में 1700 करोड़ आप स्वर्ण जयंती पे लगा देते हो, भोजन चिंतन मंथन पे आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हो, अगर इन पैसों का सरकारी युवा उसमें निवेश करें, 3,000 रुपए अगर किसानों की भी बात करें, किसानों की भी बात करें, यूरिया खाद का कट्टा, जो यूरिया खाद की मैं बात कर रहा हूँ, 45 किलो वजन उसका कर दिया 50 किलो की बजाय और उसका रेट बढ़ा दिया, नौकरी पर रखेंगे निवेश, नौकरी पर रखेंगे। बलकानिया साहब, हरियाणा की जो फिलहाल स्थिति है निवेश को लेकर, कंपनी आई इंडस्ट्री स्थापित हूँ, वो कैसे देखते हैं आप? देखो जो भी कंपनी आती है वो पहले देखती है कि इस स्टेट का माहौल कैसा है, शांति कायम है, रोजगार के साधन जो है युवा मिल सकते हैं, क्वालिफाइड युवा है, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी पिछली सरकारों में क्या हुआ, जो नौ पोस्टें जो खाली होती हैं भरी भी जाती हैं, परंतु आपका लोक सेवा आयोग जो है वो पारदर्शिता के साथ अगर काम करे तो सही चुनाव चयन हो तो अदालतों में मामले जाकर नहीं लटके। कई बार देखा गया कि जब प्रश्न पत्र होता है, जेई का क्वेश्चन होता है और आप पूछते हैं काला बम मिल जाए तो क्या होता है, कुछ उस तरह का क्वेश्चन पूछो जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उसने नौकरी करनी है और उसी तरह से भर्ती करो और कोई भी मामला जाकर अदालत में ना लटके, ये सरकार लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़े। अजय गौतम जी, बहुत छोटा कमेंट इस बात को लेकर कि हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, इस बात को लेकर शाबाशी देती है कि हमने पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियां दी है, छोटा जवाब। देखिए हरियाणा सरकार अगर बाकी जनता का भला चाहती है, एक अपना निष्पक्ष दल थानों में भेजे और वहां पर किसी की कंप्लेंट लिखाने जाए, पहले ही सेटलमेंट की जाती है कि पैसे कितने दोगे भाई, तब हम कंप्लेंट लिखेंगे। भ्रष्टाचार इनका इस चरम तक पहुंच चुका है कि उसको बंदे को मारने को तैयार है।
नौकरियां बेची जाती है, उसको सीधा नौकरियां बेची जाती है। दूसरी बात सुनो जी, नौकरियां बेची जाती है। सुन लीजिए पहले, आप बीच में बोल पड़ते हैं कि किसी की आवाज ही ना जाए। जब 1,00,000 नौकरियों के पद आज की खाली है तो उनको क्यों नहीं भरवाते आप? नई पॉलिसी क्यों ला रहे हो? आप लेंगे ब्रेक के बाद जवाब को पूरा कीजिएगा, जल्द लौटते हैं। हरियाणा में अगर प्राइवेट कंपनियां हरियाणा के युवाओं को सी और डी ग्रुप में अगर भर्तियां देंगी, रोजगार देंगी, तो उनको 3,000 का अनुदान हरियाणा सरकार देगी। कितना बड़ा कदम है और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने अभी तक क्या किया है? क्योंकि कंपनियां अगर लगेंगी तो सीधे तौर पर बात आएगी निवेश की, निवेश को लेकर क्या कुछ किया गया है? अजय गौतम जी, सवाल आपके पास था, जवाब आपको देना था इस बात का कि पारदर्शिता का जो दम भर्ती है हरियाणा सरकार, उसमें आपको कितना दम नजर आता है उस बात में? इसमें बिल्कुल ही कोई सच्चाई नहीं है। पारदर्शिता जो बात करती है सरकार, ये मतलब इसने भ्रष्टाचार में जैसे कहते हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कैसे? आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाइए बिना पैसे दिए बिल्कुल दे कोई काम नहीं। मैं दूंगा एग्जांपल, मैं दूंगा। देखिए, देखिए, ट्रांसफर हुई, मैं 60,000 में रह रहा हूँ, ट्रांसफर के रेट 50,000 से 60,000 रुपए थे, ट्रांसफर के रेट। देखिए सुन लीजिए, मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आप बंदे भेज दे, कैसे विश्वास करे जनता? जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है बिल्कुल। बालमुकुंद शर्मा जी, सबके विकास की बात भी है, भर्तियां पारदर्शिता से किसकी जा रखी है, रोजगार दिया जा रहा है सरकार? आपने समय दिया, मौके पर टाइम दिया। हरियाणा निर्माण से लेकर के आज तक कर्मचारी चयन आयोग में पहली बार 6-7 कर्मचारी एक साथ रेड में पकड़े गए, रिकॉर्डिंग हमने खुद पकड़े। एक मिनट सुनिए, तो पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने कहा रिकॉर्ड जो मैं अभी आप सुनिए, हमारे टाइम में कभी एक बार आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। वो पकड़े गए, उसके बाद में आपको एक आधारित तौर पर बात करना चाहता हूँ। जो वो पकड़े गए, सिलेक्शन होती थी नहीं होती थी एक जांच का विषय था, और वो किसके इशारे पर काम करते थे और किसके लिए काम करते थे, कोई जांच नहीं हुई। उन्हीं कर्मचारियों पर गाज गिरा दी, जैसे कहते हैं छोटी बच्चियों। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, अगर इस बात में कोई आपको दुख तकलीफ लगे, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना। आप सुनो, एक मिनट सुनो, हरियाणा जितने पिछले 4 साल में पेपर लीक हुए हरियाणा में, हरियाणा बनने से आज तक किसी भी टाइम पीरियड किसी शासन तंत्र में इतना अगर पेपर लीक हुए हो, मैं ऑन रिकॉर्ड ये जिम्मेवारी उठाने लेता हूं, मेरे खिलाफ आप सबसे ज्यादा से लेकर जज तक के पेपर लीक। हां सुनो, कलर्क से लेकर जज तक के पेपर लीक, लेकर के जज तक, और जज ही गिरफ्तार हुए हैं आपके राज में। आज से मेरे बात सुनो जी, आप यही बात नहीं ना जी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको अपने बात नहीं रख रहा, आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ये बात कोई छिपाने वाली बात नहीं है, बात छिपाने वाली बात नहीं है, झूठ बोल रहा हूं तो रिकॉर्ड है। आप इस बात को ले, आज तक जितने पेपर, ज्योति जी, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जो पेपर लीक ना हुआ हो, पेपर कैंसिल नहीं हुआ हो, ये चीजें होती नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, पेपर लीक नहीं होते थे, पेपर लीक नहीं होते थे हमारे। निवेश कितना लेकर आए आप लोग, विदेश दौरे बहुत किए गए, वो भी बता दूं सिर्फ एक मिनट के लिए। रिक्रूटमेंट का जो सबसे बड़ा जो धांधली होती थी ना, वो जो जैसे इंटरव्यूज के थ्रू होती थी या फिर अंडर द कार्पेट बहुत कुछ चलता रहता था, इसीलिए हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स होती हैं, और किसी भी तरह का अब तो सीओडी में इंटरव्यूज भी खत्म कर दिए। एक शिक्षा विभाग को छोड़ के कौन से डिपार्टमेंट में ऑनलाइन होती है, मेरे को बताइए। शिक्षा विभाग को छोड़ के किस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, आप बताइए। 50,000 से 60,000 रुपए ट्रांसफर का रेट, 50,000 से 60,000 रुपए आपको देने की आदत पड़ी हुई थी ना कांग्रेस में, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए आपको ये लग रहा है काम नहीं हो रहा, नहीं दे रहे, ईमानदारी से काम हो रहा है, और जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग मेरिटोरियस हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, दिस इज द इशू। अब क्या इनको कुछ, अब इस बात पे मैं आना चाहता हूँ ज्योति जी, इन्होंने कहा कि निष्पक्ष, एक मिनट जी, मैं आपकी बात यहाँ काटना चाहता हूँ, इस बात पे एक मिनट बात सुनिए प्लीज, ज्योति जस्ट लेट मी फिनिश इट।
तो दूसरी बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट की और रोजगार जनरेट करने की. एक तो ये कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो एक एक्चुअली जॉबलेस ग्रोथ होती है. ये सारी दुनिया जानती है कि अगर आपको जनरेट करना है तो जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसमें हमने करना है. हरियाणा में ये हमारी स्वराज है और हमारे प्लीज आप अंग्रेजों को भी इकोनॉमिक पढ़ के देख लीजिए. एस सी एम ई हर कंट्री में चार साल में बताइए इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है में, आपको बताइए आप बताओगे तभी पता लगेगा ना. बीच में ना बोले प्लीज. एक रुपया नहीं आया आपके पास इन्वेस्टमेंट, जवाब भी लगाना सुने. तो जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है सबसे ज्यादा एसएमई सेक्टर में है और हरियाणा में इस हमारे इस वर्तमान सरकार के टाइम में 175 से ज्यादा नए एसएमई लगे हैं, जिसमें कि करीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिसमें करीबन जो है जो 22,000 से लोगों के आसपास उनको रोजगार भी मिला है और जो सूक्ष्म उद्योग है 20,000 के आसपास और उसमें भी काफी सारी अमाउंट हुई है और जिसमें करीबन जो है 1,33,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिला. एक और चीज जो अभी इसी हफ्ते हमारी जो डेवलपमेंट है, झूठ बोलने की भी कोई याद होती है. 1,33,000 युवाओं को रोजगार, आप रहने दें, कोई याद होती है झूठ बोलने का भी कोई दारा होता है. आपको दर्शन देख रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है, कई स्टेट आपको देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप. 1,00,000 की बात नहीं होती. वन मोर मिनट 33,000 सरकार की प्राइवेट मिला के भी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं. 33,000 की बात, ये तो आंकड़े हैं. आपको दिखेगा कुछ, जस्ट वन मोर मिनट. आपको दिखाई दे रहा है जो कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, एलएलडीसी नॉर्दर्न लेक्स डेटा कॉर्पोरेशन, इसी हफ्ते उनके साथ एमओयू साइन हुआ है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इसमें आपकी सरकार ने मैडम जी एमओयू की परिभाषा ही बदल दी. जमीन पर धरातल पर कुछ है ही नहीं. एमओयू कैसे हो गया एमओयू? आप खाली कागजों में साइन कर रहे हो, आप खाली कागजों में साइन कर रहे हो. एमओयू हो जाने का मतलब भी ये नहीं है कि कंपनी आएगी ही आएगी या निवेश होगा. वो बहुत शुरुआती कदम है. आगे बढ़ेंगे. समय दिया आपको, जवाब दिया आपसे. वल्कानिया साहब, आपको क्या लगता है कि चुनाव अभी करीब है, चुनाव होने के, लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, अगर इकट्ठे नहीं हुए, क्या रोजगार दिया जाना, नौकरी कितनी दी गई, वादा कितना किया गया था और अभी रोजगार कितना दिया गया, ये चुनावी मुद्दा बनेगा, सरकार घिरेगी इस पर? देखो, प्रदेश में बेरोजगारी है, युवा जो है वो आपका मतदाता है और वो बेरोजगार है, सड़क पर है, तो ये मुद्दा तो बनेगा ही. अगर आपने वायदा किया है तो उसको निभाना होगा ही. अच्छा, जहाँ तक सरकार का सवाल है, ये भाई साहब कह रहे हैं कर्मचारी नेता है कि रोडवेज चक्का जाम करेगा, तो सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बसा लेकर, कंडक्टर सरकारी होगा, बस तुम्हारी होगी, फिर वो किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, जो भी हो चलता है, कंपटीशन तो होना चाहिए, परंतु कम से कम जितना रोजगार आप स्वयं डायरेक्ट दे सकते हैं उस काम को आप ठेके पे क्यों देते हो? जो आप कंप्यूटर टीचर भर्ती करते हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, उनको पैसा ट्रांसफर करते हैं, अब वहाँ पैसा चला जाता है, एम्प्लॉयज को मिलता नहीं है, तो जो पैसा आप ठेकेदार को देते हैं आप डायरेक्ट भर्ती करके कर्मचारी को दो. जो आप प्राइवेट ठेके पे दे रहे हैं बस है, आप स्वयं भरो. परंतु कर्मचारी नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप कंपटीशन की भावना भरे, ईमानदारी से चले. जहाँ प्राइवेट बसें हैं वो आपके कंपटीशन में आगे निकलती हैं, वो सवारियां खाते हैं, तो आप भी आगे. और बार बार आंदोलन का रास्ता सही नहीं, आंदोलन से प्रदेश पिछड़ता है. अगर आपकी कोई जायज मांग है उसकी जनता भी समर्थन करती है और सरकार तो खैर सारा नहीं कह सकते भी समर्थन करती है, परंतु जनता भी करती है. जनता को परेशानी होगी तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा. अगर आप कंपटीशन के साथ चलते हैं और अच्छी सेवाएं देते हैं तो रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी ईमानदारी से रोजगार देना चाहिए. देखिए, जैसा कि साथी ने बताया कि निजीकरण से ऐसा होता है और सरकार के सामने आपने दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ने चाहिए, सारी बातें साथी के जायज है. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई तनख्वाह बढ़ाने की और प्रमोशन करने की नहीं है, हमारी लड़ाई इस विभाग को बचाने की लड़ाई है. अब आपका सवाल आएगा कि ये तो सरकार ने देखना है क्योंकि सरकार का विभाग है.
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस विभाग का हमने अन्न पानी खाया है उसको हम प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। इसका एक रीजन है, देखिए 39 कैटेगरी हरियाणा रोडवेज के अंदर फ्री है, जो कि प्राइवेट बसें वो फ्री कैटेगरी नहीं ले जा सकती। दूसरी बात, 700 बसें प्राइवेट करने की सरकार कह रही है, तो 700 बसों में ये मान के चलो कि एक बस के साथ 7 रोजगार होते हैं, रोजगारों के अवसर समाप्त हो जाएंगे। रही बात, मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैकेनिक वो अपना प्राइवेट काम करवाएंगे तो मैकेनिकों की भर्ती नहीं होगी, कलर्कों की भर्ती नहीं होगी, कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती नहीं होगी, रोजगार का अवसर तो आप खुद समाप्त कर रहे हैं। और फिर रही बात जनता की परेशानी की, मैं इस पे जाना चाहता हूँ क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जनता का हिस्सा है, हम उनकी पीड़ा बहुत करीबे से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी है और इस बात का जुम्मेवार सरकार की है, क्योंकि हम एक दिन पहले नहीं, हम एक दो बिना पहले सरकार को सचेत कर देते हैं, या तो हमारे विभाग को बचा लो नहीं तो फलानी तारीख को हम चक्का जाम करेंगे, नोटिस देते हैं, समय रहते सरकार अपना फैसला वापस ले ले, हमारे को स्ट्राइक करने का कोई वो नहीं है। इसी रोडवेज वाले में हमारे पास ऑलरेडी जो सरकारी जो बसें हैं उनका करीबन 4234 के आसपास हमारी बसें ऑलरेडी, इन्होंने बसेस का इशू उठाया ना, और अब हम अपने इस फ्लीट में 700 और 15,000 बसें चाहिए लोगों, पब्लिक पब्लिक की देखते हुए, मांग को देखते हुए, पहली बात ही पहले उसको करेंगे, 15,000 बसें को जरूर नेक्स्ट इशू मत लेके आइए बीच में। तो इतनी हमारे पास हैं, और जो जो 700 बसेस की बात हो रही है उसमें कंडक्टर जो है वो सरकारी होगा, और जहां तक जो रोजगार जनरेट होना है वो तो वैसे भी हो रहा है ना, उनको तो काम मिलेगा मिलेगा, और जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है उनके साथ साथ, जैसे मैंने अभी बताया एक जो यूएस कंपनी है, मैडम जी रोडवेज के बारे में आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते, हम रोज मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कर्मचारियों को, आप भूल जाए, आपको सिर्फ कांग्रेस के पॉलिटिकल मोटिव के साथ कांग्रेस की बात की नहीं, अभी तो आप कह रहे थे ना कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं। बालमुकुंद शर्मा जी, आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी लगाना, पक्की भर्तियां ना की जाना, इसको लेकर आप लोग सरकारों को घेरते रहते हैं, आप विपक्ष में हैं तो आप कहेंगे नहीं, नहीं। अभी विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी की चलती है तो मुख्यमंत्री को भी मंत्रियों को भी आउटसोर्सिंग पर रख लिया। मैं इसी तथ्य पर नीलम जी को भी लेके आऊंगा, नीलम जी ने हमारे कर्मचारी नेता पर आरोप लगा दिया भाई कांग्रेस के हैं, हरियाणा निर्माण से लेकर के आज तक 91 का शासन याद करिए, 91 से 96 तक चौधरी भजन लाल हरियाणा से, आपको याद है प्राइवेट कांग्रेस के शासन में 96-96 था, जब सबसे पहले बसें आई थी जो आज तक सड़कों पर दौड़ रही है, विरोध हुआ होगा उसमें, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ होगा, कितनी पुरानी बसें जब आपकी सरकार आएगी 700 बसें नहीं लाने के लिए बेड़े में कर रहे हैं। ज्योति जी मैं बताऊं शासन में बैठे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमने निर्णय लिया, बसें दी, आज भी प्राइवेट बसें चल रही हैं, विरोध हमारा भी हुआ होगा, हमारे साथी कर्मचारी नेता हैं वो इन चीजों को जायज मानते हैं नहीं मानते हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको बैठ के सुनना चाहिए सरकार को, नहीं सुनते तभी ये हड़ताल पे आते हैं, अगर सुनते हैं तो हमारे शासन में कैसे बसें सड़कों पर, आपको बसें आई कि नहीं आई, आप प्राइवेट बसें हरियाणा में चलती नहीं चलती, आप ये बताइए आप बसें आपने देखी हैं कि नहीं देखी हैं, आपने बसें हमारी चलती देखी हैं नहीं देखी हैं, हमने निर्णय लिया शासन में, देखिए आज जो हमारी सरकार है, जो देश के शासनतंत्र का ढांचा है, आप सुन लीजिए मैडम जी, दो मिनट सुन तो लीजिए, देखिए जी दोनों सरकारों का ये मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के टाइम में 3519 परमिट प्राइवेट देने की बात आई थी, ठीक है जी, हमने स्ट्राइक की, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं 700 बसें कह रहे हैं, कभी 3000 बसें कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, जिस दिन बस रोड पे आती है प्राइवेट तो उसी दिन से चक्का जाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से जो कहा गया उस पर आएंगे, अजय गौतम जी, क्या 3000 रुपए अनुदान दिया जाएगा इसके बदले में, आपको लगता है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे? पहला तो अनुदान ये दे नहीं रहे, कैसे विश्वास करें जी, पहले वाला अनुदान जो इन्होंने बोला था वो तो दे नहीं रहे, अब 3000 की बात कर रहे हैं, एक महीने बाद उसके 6000 की बात करेंगे, सरकार जब जाने वाली होगी 2 महीने पहले, फिर 15000 की बात करेंगे,
ये तो जुमले छोड़ते रहते हैं, जनता कैसे विश्वास करे इन पे, इन्होंने कोई अनुदान नहीं देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जुमले छोड़ने, अपनी सरकार ये सोच रहे कि शायद बच जाएगी, लेकिन अब इम्पॉसिबल है इनका बचना। हरियाणा की जनता इनको समझ चुकी है, जुमले सरकार दिशाहीन, बिल्कुल दिशाहीन सरकार है, इनको पता ही नहीं है। पत्थर साहब कोई एक्शन लेते हैं, आरएसएस वाले उसको बदल देते हैं, फिर ये कुछ करने की कोशिश करते हैं, अमित शाह उसको भी बदल देते हैं। अगर तो सरकार पता की तस्वीर ही नहीं करना, क्या करना, है करना, तो जो तो कमल गुप्ता जी विधायक इशार है ना, वो सरकार की तस्वीर है। कमल गुप्ता जी के साथ जो हुआ ना इशार में, वो सरकार की तस्वीर है, देख लेना वो तस्वीर, आप वो देखिए, वो कमल गुप्ता, वो एक तस्वीर, एक बांध की है, अपना मंथन करना चाहिए। जो घोषणा पत्र सरकार बैठ के पढ़े और माफी मांगे लोगों से, भाई हमने ये गलत बना के दिया, हमें माफ कर दो और मौका दो, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं बचा कोई लीडरशिप आपके पास नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, पॉइंट क्या है, आप आंकड़ों में जाना चाहते हो, हरियाणा को आंकड़ों में नहीं उलझने वाला आपकी, आप कुछ भी लेके आ जाते हो, 50,316 नौकरी दी मोदी, कहाँ दिए आपने बताइए, आप खुद किसको नौकरी दी आपने, आपने किसी को कुछ नहीं किया। आखिरी कमेंट आपका नसीब जाखड़ जी। ऐसा मैम, आपने सारी बातें सुन ली और चार साल से हम भी सुनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर लॉलीपॉप सरकार दे रही है। अगर बात हम इनकी करें, 3,000 के निवेश की करें, प्राइवेट कंपनियों के निवेश की बात करें, क्या आपको सरकार के करीब करीब चार साल के कार्यकाल के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो कि सकारात्मक है, जिसकी तारीफ हो सके? सकारात्मक क्या जी, पहली ऐसी सरकार है जो पक्के कर्मचारी को कच्चा करती है, कच्चे कर्मचारियों को तो पक्का होता देखा होगा, लेकिन पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने वाली ये पहली सरकार है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आज ऑन रोड नहीं हो रखा, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, हर डिपार्टमेंट आज धरने पे बैठा है, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पर लाठीचार्ज हो रही है, बेटियों के सर फोड़े जा रहे हैं। पहले तो मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रपति पहले तो उन कर्मचारियों पर आ जाए, उन कर्मचारियों की पैरवी नहीं की, अब ये सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को कहते हैं सहयोग करो, सुप्रीम कोर्ट में केस में सीएम कर लेंगे या विधानसभा में विधेयक लेके आएंगे, पहले क्यों नहीं आपने सूत्र पैरवी की? आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, चुनाव तक लेके जाना चाहते हैं, आप उसी दिन क्यों नहीं किया आपने? आपने हाईकोर्ट में ही पैरवी करते मामला बने रहने के लिए हरियाणा के सीएम की ओर से जो कहा गया हरियाणा के युवाओं के रोजगार को लेकर, उसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।